थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है बच्चों? सोचो, अगर उसकी लेंथ एल है तो। सर दोबारा रिपीट करना था अगर एक हमने। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है? एलवी साइन थीटा, IL साइन थीटा। ILB, साइन थीटा, राइट, जिसमें थीटा किस किस के बीच का एंगल था, एल और बी का बीच में। एल करंट डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है, जो करंट करंट। करंट और अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो फोर्स की क्या कैसे निकालते हैं? IL×B। बी सेंट क्रॉस। फिर हमने इसके स्पेशल केसेस कर रहे थे कुछ रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक पूरे लूप को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे, लेकिन उस पूरे लूप में क्या होगा सर, करंट आ रहा होगा, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा, या दोनों जीरो होंगी या नॉन जीरो होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम टॉर्क की डेरिवेशन पूरी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे इसकी, क्योंकि हम इसका, जैसे तुमने टॉर्क की डेरिवेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में, राइट, एक वैसा वैसा ही है इसमें, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन हम पूरा समझ लेंगे उसको कैसे करना है। अगर फिर भी किसी को डेरिवेशन का दिक्कत रहे कि नहीं आ रही समझ, तो बहुत आसान है इसकी डेरिवेशन, बाकी मैं पूरा बता दूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे हम आगे। अगर किसी को देखना हो तो रिकॉर्डिंग पता है ना सबको कहाँ अपलोड होती यस सर। है ना, तो नीट वाले सेक्शन में जाकर, जो यूट्यूब वाला हिमाचल लाइव है, वहां पर नीट वाले सेक्शन पर जाकर आप क्या सर्च कर लेना, टोर को ना करंट कैरिंग लूप, वहां पर भी मैंने ही पढ़ाया हुआ बच्चे, तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो तो, इसकी डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसके लिए जो न्यूमेरिकल है वो टाइप अच्छे से करेंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नाम सुना होगा सबने, स्कूल में सुना होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, किसी ने सुना होगा नाम, बोलो, है ना, यस उसके बारे में हम देखेंगे। आओ देखो, अब एक रेक्टेंगुलर लूप है सर, रेक्टेंगुलर क्या है, लूप है, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ। अब रेक्टेंगुलर लूप तो कैसा भी हो सकता है, ये सपोज कर लो एक रेक्टेंगुलर लूप है, दिख रहा है, ए बी सी डी, इसके अंदर करंट जा रहे हैं बच्चे, ऐसे सबको क्लियर है, दिख रहा है ये, है ना, यस बोलेंगे मेरे, क्लियर है तो अच्छी बात है। देखो, अब ये रेक्टेंगुलर लूप, इसके अंदर करंट आई जा रहा है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, जो कि कहाँ है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चे, अंदर को अंदर, इनवर्ड है। या अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ, मतलब तुमको बिल्कुल वो रखना है कि आसानी रखते हैं इसको, हम और भी आसान कर सकते हैं इसको, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, मैं सारा कुछ 3D में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब दिख रहा है क्या ये कैसा है मैग्नेटिक यस फील्ड बच्चे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये येलो वाला क्या बनाया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, कोई भी एक लूप है, जैसे ये एक लूप है सर, दिख रहा है सबको, है ना, इस लूप को मैं क्या रख रहा हूँ बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ। अब जाके बच्चे हुए हैं, देखो ये ए बी सी, और ये क्या हो गया, सर डी, गायब हो गई टी। ए, ये देखो ये ए दिख रहा है, ये ए, यस ये बी, यस ये सी, और ये क्या है, डी, ठीक यस है। ये एक लूप है बच्चे, ए बी सी डी। अब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि ये ए बी भी एक, इसके अंदर भी करंट जा रहा है, इसके अंदर भी करंट जा रहा है, इसके अंदर भी करंट जा रहा है, और इसके अंदर भी करंट जा रहा है, तो मैं मान सकता हूँ ए बी मेरा अलग से एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, बी सी अलग से, सी डी अलग से, और ए डी अलग से, तो ये सारे एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे ना, ए बी भी, बी सी भी, और बोलो, सीटी और ए डी भी, ये सारा करंट भी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इन सब के ऊपर हमें पता है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इनके ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक लगेगी। तो हम इन सब के ऊपर निकाल के देख लेते हैं।
एक बार फोर्स निकाल के देखते हैं पहले किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, आई एल बी साइन साइन थीटा। तो करंट की डायरेक्शन में तो एल होता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है सर बताओगे, आई एल कौन सी डायरेक्शन में है, ए बी में, ए बी में माइनस आई। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में। तो बताओ कि बीच में एंगल कितना होगा, 180। और साइन 180 क्या होता है, जीरो जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो जीरो। तो यानी फोर्स ऑन ए बी कितनी हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली फोर्स ऑन सी डी भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, कि लेंथ और करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस केस में, जीरो डिग्री। जीरो डिग्री दोनों एक्स डायरेक्शन में है, तो ना भाई सी डी पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगी और ए बी पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो फोर्स लगेगी किस किस पे बच्चे बताओ, ए डी और बी सी में। एक तो ए डी पर लगेगी और किस में लगेगी, बी सी पे लगेगी। सबको समझ में आ रहा है, ए बी और सी डी पर क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, दोबारा बताओ मुझे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि एंगल 0 और 180 डिग्री है। तो अब रह जाएगा सर एडी और बीसी, तो फोर्स ऑन एडी निकाल देते हैं पहले। अच्छा, अभी फोर्स की वैल्यू, फॉर्मूला तो यही होता है आई एल बी साइन थीटा, है ना। थीटा की वैल्यू कौन बताएगा इसमें मेरे को कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि लेंथ कहाँ है सर, नीचे की तरफ है, यानी करंट नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो साइन 91। तो फोर्स ऑन एडी का फॉर्मूला क्या बन गया, आई एल बी, क्लियर है। और इसकी अगर डायरेक्शन निकालने, कैसे निकालेंगे, अभी अभी पढ़ा है हमने, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, एल क्रॉस एल क्रॉस बी करके। तो बताओ एल कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्रॉस बी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, आई कैप। तो माइनस जे क्रॉस आई, आई जे के, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप, माइनस। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस जे कैप, प्लस के। तो प्लस के मतलब कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, अंदर या बाहर, बाहर। इसके ऊपर तो फोर्स लगेगी कहाँ सर, ऐसे ही तुम इसके ऊपर निकाल के दोगे, फोर्स का फॉर्मूला तो सर सेम ही आएगा, आई एल बी, क्योंकि एंगल यहाँ पर भी कितना है सर, 90 डिग्री। लेकिन करंट अपोजिट है तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगी, यहाँ फोर्स बाहर है तो यहाँ कैसे हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव के कैप है तो यहाँ नेगेटिव के कैप है। चेक करके भी देख लो, किसी को कोई डाउट है तो अभी देखो, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पहले वो मेरे से पूछो, अच्छे से देख लो इसको, हल्का सा भी डाउट है तो पहले मेरे से पूछो, और जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप करो और यस बोलो और चलते हैं फिर आगे। यस सर, यस पक्का, यस सर। किसी के ऊपर से बाउंस तो नहीं जा रहा, किसी के ऊपर से, नो सर, पक्का ना, तो जोर से बोलो फिर, नहीं जा रहा बाउंस, नहीं जा रहा है। चलो, तो मतलब ए बी पे कोई फोर्स नहीं है, सी डी पे कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स है कहां पर, ए डी पर, और वो कहां है, बाहर की तरफ। और फोर्स कहां है सर, बी सी पर, और वो कहां है, अंदर। मतलब सर ये अगर ए बी था, ए डी था, और ये क्या था, बी सी था, तो ए डी कहां जाना चाह रहा है, बाहर, और बी सी कहां जाना चाह रहा है, अंदर, अंदर। तो ये चीज कहां जा रही है, बाहर, ये कहां जाना चाह रही है, अंदर, ऐसे जाना चाह रहा है ना, क्लियर है सबको, ये चीज कहाँ जाना चाह रही है बच्चे, बाहर, और ये चीज कहाँ जाना चाह रही है, अंदर, अंदर। जाना चाह रही, क्लियर है सबको, yes, sir. और इसकी फोर्स कितनी है इसके ऊपर, बोलो बोलो, इस वाली लाइन पे जीरो फोर्स है, जीरो, ऐसे इसके ऊपर जीरो, जीरो, और इस पे बाहर, तो ये बाहर, ये अंदर, ऐसे रहना चाह रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर, अच्छा सर, ये फोर्स बाहर है, ये फोर्स अंदर है, तो नेट फोर्स तो क्या हो गई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जीरो। तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्या नेट टॉर्क भी जीरो है क्या,
नो सर। उसके बताओ सर कैसे पता चला, कैसे पता चला नेट फोर्स, नेट क्योंकि ये रोटेट हो रहा है ना। हाँ क्योंकि ये फोर्स इस लाइन के थ्रू एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये रोटेशन, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी दो फोर्सेस रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें रोटेशन हो जाएगा तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं सर, क्या कर दूं इसको, टिल्ट कर दूं कैसे, ऐसे दिख रहा है, मतलब ये पी क्यू कहाँ आना चाहता था, बाहर आना चाहता था, मैंने इसको बाहर ले लिया। ये चीज कहाँ जाना चाहती थी, अंदर, तो मैंने इसको कहाँ भेज दिया, अंदर भेज दिया। अब देखो अब क्या होगा सर, अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये ऐसा फोर्स दिख रहा है सबको, यस सर। ये थोड़ा कहाँ आ गया, बाहर, ये कहाँ चला गया, अंदर। पी क्यू आ गया बाहर की तरफ, पी आर एस कहाँ आ गया, अंदर। और इनका अगर एरिया वेक्टर बनाऊं तो कैसे निकलेगा एरिया वेक्टर बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो यहाँ पर कहीं बाहर आ रहा होगा ना, नहीं समझे तो यहाँ से देखो, यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर। अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दूं इसको तब भी एरिया वेक्टर तो क्या ही होगा सर, क्लियर है ना सबको, हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ होता है, बाहर, और जहां से तुम देख रहे हो वहां पर, है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, साथ साथ रोटेशन करता हूँ। जैसे जैसे चीजों की रोटेशन होती है, किसकी रोटेशन साथ साथ हो जाती है, एरिया वेक्टर के भी। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसे रहता है, कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। तो ये अभी बाहर की तरफ है, समझो अगर ये है तो इससे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है, थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है। अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड तो लेकिन अभी भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है सर, ऐसे होगी, दिख रहा है, यस सर, यस सर, है ना। तो हमने कहा ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, अभी भी फॉर्मूला तो वही बनेगा, F is equal to ILB sin theta, sin theta सर। इसके तो अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगी, वही बात है ना, इसके तो अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहां पर जो पहले पैरेलल थी, क्या पैरेलल रहेगी, क्या पहले यहां पर, पहले ये अगर स्ट्रेट होता बिल्कुल ऐसे पड़ा होता तो साइन जीरो था, हमने देखा था ना, अब क्या साइन जीरो है? नो सर। तो यहाँ पर साइन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगी बच्चों, एक फोर्स लगेगी। ऐसे यहाँ पर भी क्या लगेगी बच्चों, एक फोर्स लगेगी। अब ये तो वही जाना चाह रहा है सर, ये बाहर, ये अंदर, इसका तो ठीक है। पीएस और क्यूआर के एंगल चेंज हो गए, अब ये साइन जीरो और 180 नहीं रहा, तो अब इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। अब तुम कैलकुलेट करके देखो, चाहे तुम एल क्रॉस बी, PQ पे, PS पे करके देखो, L इधर है, B इधर है, तो देखो फोर्स कहाँ लग रही है, L क्रॉस B करके देखो, देखो 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 ध्यान से, PS, PS पे अपनी वो रखो, पाम रखो, और B हॉरिजॉन्टली घुमाओ, तो देखो फोर्स कहाँ लग रही है उस पे, ध्यान से देख के करो। L क्रॉस B करना आता है ना सबको, पाम से। अच्छा तुम QR पे कर लो, वो तुम्हारे लिए आसान है। QR पे पाम रखो अपनी और B की तरफ रोटेट करो, हॉरिजॉन्टली रोटेट करने की कोशिश करो, करो ट्राई करो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा ट्राई तो करो, देखो और मुझे बताओ PS पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और QR पर क्या होगी। QR पे ऊपर की तरफ, QR पे ऊपर की तरफ, और PA कैसे किया बताओ सर, फिंगर को B की साइड रोटेट किया। देखो ये था ना, ये थोड़ा सा अब इधर चला गया, ऐसे हो गया, तो L क्रॉस B करो, ये तुम्हारा L है और B कहाँ है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। L क्रॉस B करके देखो अब कैसे निकालोगे, B यहाँ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है बच्चे। ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन, यहाँ पर एक्स वाली स्लाइड भी आ रही है और थोड़ा सा बाहर भी आ रही है, तो एल तो हो गया तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स में,
तो बताओ परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बताना इसके फोर्स। सोचो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो एक्स में बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर होती है फोर्स। एक्स और जेड के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस बचती है? वाई। तो इसलिए फोर्स कहाँ होगी सर? ऊपर की तरफ। यहां पर एक्स जेड है ना, यहां पर माइनस जेड के अक्रॉस है, तो यहां पर फोर्स भी क्या हो जाएगी? माइनस वाई कैप में। तो यहां पर फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ। समझ में आ रही है बात? हमेशा परपेंडिकुलर देखना होता है हमेशा। कैसे? देखो यहाँ पर दिखा भी रखा होगा, ये देख अभी दिखाएगा। दिख रही है ये फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों? ऊपर लग रही है, दिख रही है? और ये फोर्स नीचे लग रही है। तो एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है फुल, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर। भाई हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ ली थी बच्चों, क्या? जो एफ है वो किस किस के परपेंडिकुलर है? एल क्रॉस भी है, तो एफ एल के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो एक्स और जेड तो आ गए, तो परपेंडिकुलर क्या बचा? वाई बचा सर। ये थोड़ा बाहर की तरफ है यानी प्लस जेड की तरफ है, तो फोर्स भी प्लस वाई पे जाएगी। ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो फोर्स भी नीचे की तरफ जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको इतना पता चला, ये अगर मैं लूप मेरा स्ट्रेट रखता था, तो पीएस और क्यूआर पर फोर्स क्या लग रही थी बच्चे? जीरो। जीरो लेकिन जीरो अब कोई फोर्स लग रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर और नीचे। नीचे। और ये तो वही जाना चाह रहा है सर, बाहर और अंदर। लेकिन अभी भी नेट फोर्स तो क्या ही है? जीरो जीरो, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स को कौन कैंसिल कर रहा है? नीचे वाले वाली। और बाहर नीचे वाली फोर्स को कौन कैलकुलेट कैंसिल कर रहा है? अंदर वाली फोर्स। तो नेट वाले फोर्स तो अभी अंदर भी क्या वाले है? जीरो। लेकिन क्या नेट टॉर्क जीरो है अगेन? नो सर। अब ये केस क्यों लिया टिल्ट करके? अब तुम मुझे ये बताओ, कौन सी फोर्स, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो टॉर्क प्रोवाइड कर रही है? एक तो ये बाहर अंदर वाली, और एक हो गई ऊपर नीचे वाली। इसको बोल दो F2 और F3, इनको बोल दो F1 और F4। तो बताओ F2 F3 टॉर्क प्रोवाइड कर रही है या F1 F4? F1 F4 F1 F4 कैसे पता लगा ये? क्योंकि सारे रोटेट कर रही कॉइल। हाँ, जो फोर्सेस रोटेशन में हेल्प करे वही टॉर्क प्रोड्यूस करती है। भाई F1 F2 और F3 कैसे लग रही है? F2 ऊपर की तरफ लग रही है, और F3 कहाँ लग रही है? नीचे। क्या ये कभी भी रोटेशन कर सकती है क्या इस ऑब्जेक्ट की? कर नो सर। नो सर। सकती। तो इनकी वजह से जो टॉर्क है वो क्या होगा? जीरो। जीरो। रोटेशन कौन करेगा? ये वाली फोर्स जो कि कहाँ आना चाह रही है? बाहर। और ये वाली टॉर्क जो कि अंदर। इनकी वजह से टॉर्क लगेगा, इनकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? इनकी वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। नीचे वाली की वजह से। जीरो। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस यस सर। तो यस फोर्स, सर। तो अभी कौन टॉर्क लगाएगा? सिर्फ PQ वाली और और आर एस एस वाली। तो किसी भी की वजह से भी टॉर्क निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो PQ की वजह से, अब ये जो टॉर्क निकालेंगे हम, उसी का फॉर्मूला जो आएगा वो ये आएगा, ध्यान से देखना। एन आई ए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा है मैंने? एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये क्या है सर? एन है अगर इस पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो, तो वो आई क्या होगा? सबको पता है क्या होगा? आई करंट। करंट बी क्या होता है? सबको करंट पता है क्या बी क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या होगा? जंगलों का एलर्जी अब ध्यान से देखते हैं। ए क्या होगा? ए मैंने दिखाया था अभी, एरिया। एरिया वेक्टर। क्या होगा? एरिया वेक्टर। और थीटा क्या होगा फिर? ए और बी के बीच का। एंगल अब समझो इसको, एन क्या है? ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, और ये कौन सी फोर्सेस की वजह से हो रही है? ऊपर नीचे वाली या बाहर अंदर वाली? बाहर बाहर अंदर अंदर वाली। वाली। और इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एन आई ए बी साइन थीटा। ए क्या है सर? एरिया वेक्टर। ए क्या है? एरिया वेक्टर। इस लूप का क्या है बच्चे? एरिया वेक्टर। चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कैसा भी हो, एरिया वेक्टर। बी क्या है सर? जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये फॉर्मूला तो दिमाग में रह जाएगा ना, एन आई ए बी साइन थीटा।
यस सर। तो अब मैं कहूं अगर तुम्हें एक करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो उसके ऊपर एक टोर्क लगेगी, बिल्कुल लगेगी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन यहां पर देखो, अभी मैंने बोला था कि अगर इसको कंपेयर कराएंगे तभी तो डेरिवेशन की बात खत्म करी थी मैंने। देखो हमने ऐसी ही टोर्क, जब एक लूप को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तब भी उस पर टोर्क लगती थी, उसका फॉर्मूला पता था, डाइपोल को रखता था, सॉरी डाइपोल को मान लो, डाइपोल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तो फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, यानी पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, है ना। यहां पर थीटा क्या था सर, पी और ई के बीच का एंगल मान लिया, ई क्या था, सर थीटा तो सर यहाँ पर भी आ गया ना, साइन थीटा यहाँ भी था, साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या था, पी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मतलब ये जो बचा हुआ है ये भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब एन आई ए या सिंपल आई ए, एन को तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या होता है सर, कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, और कैपिटल एम क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट। तो मैं टॉर्क को क्या लिख, एन आई ए की जगह क्या लिख दूं, एम, और बी की जगह बी है, और साथ में क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, पीई साइन थीटा। देखो एग्जैक्ट फॉर्मूले सेम है या नहीं है, क्या कह रहे हो बच्चे, एन 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 मैंने आई ए के ही इंक्लूड कर दिया, एन एक नंबर ऑफ टर्न के लिए तो आई ए हो जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट, एन आई ए कब हो जाएगी, जब एन नंबर ऑफ टर्न हो या लूप्स हो, ऐसे बोल दो, ठीक है, उसी में कर दिया। M को तुम एन आई ए भी लिख सकते हो, आई ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो देखो एग्जैक्टली फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल, उसमें भी साइन थीटा था, इसमें भी था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था तो इसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, देखो अकबर और हैंड रेज करो जिसको कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी भी चीज में, क्योंकि हम फिर अब इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सर अब ध्यान से देखो, जो वो टोर्क वाला फॉर्मूला आया था वो डाइपोल के लिए आया था ना, डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, तो इसके ऊपर टोर्क लगती थी, है ना। तो हमें तो पता था सर यहाँ पर डाइपोल है, तभी तो कौन सा क्वांटिटी आई है, डाइपोल मोमेंट, और हमें पता भी है इलेक्ट्रिक वाले में तो डाइपोल मोमेंट कैसा था, एक नेगेटिव चार्ज पड़ा था और एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, दिख रहा था ना हमें, यस। लेकिन सर यहाँ पर तो सिर्फ एक करंट कैरिंग लूप था, और यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या आ गई, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या तुम्हें यहाँ पर डाइपोल दिखे हैं सर, इलेक्ट्रिक वाले में तो डाइपोल दिखते थे, एक पॉजिटिव चार्ज दिखता था और एक क्या दिखता था, नेगेटिव, क्या यहाँ पर तुम्हें डाइपोल दिख रहे हैं, नो सर। अब सबसे बड़ी बात की मैं यही ये नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग है, ऐसा समझ लो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ठीक है। तो समझो यहाँ पर कैपिटल एम कैसे आ गया, कैपिटल एम मतलब डाइपोल, लेकिन ये कौन सा डाइपोल होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मैग्नेटिक डाइपोल। सर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल होगा कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता होगा, सोचो, करंट के डायरेक्शन अपोजिट होने से, ना मैग्नेटिक डाइपोल होगा क्या सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, सर फिर मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता होगा, इसमें एक चार्ज के वजह से दिखते होंगे ना, क्योंकि और सोचो और थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पेयर ऑफ टू चार्जेस, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, मैग्नेटिक डाइपोल में भी दो पोल, एक कौन सा पोल, साउथ और नॉर्थ पोल, हाँ एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लेकिन इसका मतलब अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास डाइपोल मूवमेंट है, तो इसके पास डाइपोल है, मतलब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह, कैसे एक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह। लेकिन वो दिख तो नहीं रहे सर, दिख रहे हैं किसी को दो पोल इसके अंदर, नहीं सर। पहचानेंगे वो यही पहचानते हैं,
ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका अभी बता देते हैं, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये सबने फिगर देखी होगी, ऐसे देखिए ये क्या पोल था, कौन सा पोल बना, ये साउथ पोल, और करंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसी दिखा रही है, क्लॉकवाइज, और ये देखो ये कैसा पोल है, नॉर्थ, और करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर एक करंट कैरिंग लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके पास डाइपोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, जहां से तुम्हें दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज करो ये दिख रहा है तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला हिस्सा कैसा एक्ट करेगा, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है तुम्हारा 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे बोल दूं अब, ठीक है, तो अब ये हिस्सा कौन सा लग रहा है जहां पर तुम्हें क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, साउथ पोल होगा वो, साउथ पोल, और जो मेरी तरफ होगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, क्लियर है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट है, और फॉर्मूला देखा टॉर्क में मैग्नेटिक मोमेंट आई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तभी आती है जब क्या हो, मैग्नेटिक डाइपोल हो सर, और वो डाइपोल तुम्हें पता चल गया जहां से तुम्हें करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और जहां से तुम्हें दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास डाइपोल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या सब, यस सर, यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अच्छा वहां पर हम फॉर्मूला पढ़ते थे पीई साइन थीटा, डाइटोर्क लगती थी डाइपोल पर, वो रोटेट होता था, क्यों रोटेट होता था, मैंने रीजन बहुत साफ बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में तब मैं डाइपोल को रखता था वो रोटेट होता था, क्यों होता था, भूल गए, याद करो, उस पे फोर्स लगती थी बाहर से, क्यों लगती थी वो फोर्स, उसका एक मकसद था डाइपोल का रोटेट होने का, क्यों, कब तक रोटेट होता रहा, हाँ वो डायरेक्शन वो अलाइन होना चाहता था अपने आप को कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से, इलेक्ट्रिक कौन अलाइन होना चाहता था, डाइपोल, यानी हम चाहते थे डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब मैग्नेटिक डाइपोल की तो डायरेक्शन पता थी, डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती होगी, उल्टा, साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे वहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां से यहाँ पर कौन सा चार्ज है, वैसे यहाँ पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, जैसे वहां पर नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर कैसा पोल है, साउथ पोल। तो वहां पर अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी, साउथ से नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव यानी साउथ से नॉर्थ, समझ में आ रहा है। तो ये तब तक अलाइन करता रहेगा अपने आप को जब तक इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ना हो जाए। और दूसरे तरीके से बोल सकते हो तुम, यहाँ पर एक और रिलेशन लगा सकते हो, देखो यहाँ पर थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए और बी, ए क्या था, एरिया वेक्टर। अच्छा यहाँ पर थीटा किस किस के बीच का एंगल बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एम एंड बी के, इससे क्या पता लगता है तुम्हें, एम एरिया वेक्टर है, हाँ एम एरिया वेक्टर नहीं है, एम और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम सेम, समझ आ रही है, या तो साउथ से नॉर्थ बोल दो, है ना, या एरिया ऐसा भी बोल सकते हो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल अपने आप को अलाइन करना चाहता था, वैसे यहां पर भी होगा। अब चाहे तुम बोल दो कि डाइपोल अपने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, जैसे वहां पर कौन सेम होना चाहिए, वो चाहता था कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अलाइन हो जाए, यहां पर बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में अलाइन हो जाए, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और कौन अलाइन हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह एरिया वेक्टर अलाइन, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो चाहे क्या बोल दो, एरिया वेक्टर बोल दो, दोनों बात सेम है, लेकिन ये दोनों मतलब दोनों का मतलब सेम नहीं है,
मैं दोनों बात सेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा एरिया वेक्टर। दोनों क्वांटिटीज अलग हैं। एरिया वेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है और मैग्नेटिक मोमेंट अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कैसे आई है इसकी, क्योंकि इसके पास क्या बन रहा है मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है? किसी को हल्का सा भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो वो हैंड रेस कर लो और वरना थम्स अप करके या माइक ऑन करके बोलो आगे। हाँ केशव बोलो। सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था, उसमें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें भी होगा, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। तब वो क्या होगा सर, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मेरी और जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तब उस yes, sir. चले आगे। yes, sir. ये सब था। अब मैं ये हटा भी सकता हूँ क्योंकि ये सब लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया जहां मैंने बेटे थीटा लिया था, यहाँ पर क्या ले लिया इन्होंने, बस फाई ले लिया। क्या बोल दिया बच्चे इन्होंने? फाई। और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है सबको? दिक्कत रहती है सर ये कैसे किया वो भी ये देख लेना, मैंने तुम्हें बता दिया रिकॉर्डिंग कौन सी देखनी है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा जरूरी था हमारा क्वेश्चंस और अप्रोच क्योंकि हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, ये तो हमने कर ही लिया अभी। अब ध्यान से देखो ये तो हो गया, नेक्स्ट 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 नेक्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी वो कुछ बच्चा पूछ रहा था मेरे से, देखो वही फॉर्मूला। अब ये मैं बार बार नहीं बताने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड में बता दिया, जब साइन 90 हो जाएगा तब जाके टॉर्क क्या हो जाएगी मैक्सिमम, जब जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी क्या होगी जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 90 कितना होता है, बस वही था। अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन। ये क्या पढ़ा है हमने सर, अगर किसी करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसके ऊपर क्या लगती है बच्चों? टॉर्क। टॉर्क लगती है जो उसको रोटेट करता है। अब इसकी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं कहां पर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। कहां पर? गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एमसीजी भी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है सर, गैल्वेनोमीटर तो सबको पता है, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं हम। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, है ना। बट गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है वो ये बताएगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है सर, करंट डालता हूं तो उसमें क्या शो होती है सर? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन शो होती है सर, नॉर्मल सी बात है, करंट डाल रहा हूं तो डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो यही इसमें होगा सर। लेकिन वो डिफ्लेक्शन कैसे होती है सर, वही बता रहे हैं सर। एक्चुअल में क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, हम शॉर्ट में बताएंगे, गैल्वेनोमीटर में क्या होती है सर कि हमको क्वेश्चन से मतलब है, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अब देखा ध्यान से, गैल्वेनोमीटर के साथ एक क्या लगी होती है, अंदर एक कोयल होती है। देखो ये कोयल, ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सबको। अब ये इसका नॉर्थ पोल है बच्चे, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, इसके पीछे भी एक मैग्नेट होगा, तो ये पीछे वाला पोल कौन सा हो जाएगा बच्चे? साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो इसके पीछे वाला पोल कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो ये ऐसे है, कैसा मैग्नेट है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। और क्यों लिया है ये अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ जाते हुए, ये पॉइंटर अटैच कर दिया, कोयल लगा दिए, कोयल दिख रहा है, पी क्यू आर है सबको, yes, इसके ऊपर एक वाइंडिंग की हुई है, वो वाइंडिंग क्या है वो आगे चलते हैं अभी बात करते हैं। इस कोयल के साथ क्या अटैच किया हुआ बच्चे? पॉइंटर। क्या अटैच किया है? पॉइंटर। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है ना जो रोटेट करता है, वो इसी कोयल के साथ अटैच्ड है। और इसके साथ क्या एंड पे क्या लगा रखा है? इसके स्प्रिंग लगा रखे, दिख रहा है? दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोयल रखी है ना, और उस कोयल के साथ पॉइंटर है, पॉइंटर के और कोयल के दूसरे साइड पे क्या अटैच किए हुए हैं हमने? स्प्रिंग अटैच किए हुए। तो क्या अब इसके ऊपर रोटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अभी बताओ। अभी पीछे पढ़ के आए हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना कोयल को, क्या इसके ऊपर रोटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोयल को रखा है तो क्या अब इसके ऊपर टॉर्क लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, बताओ। लगनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, सब बोलो, सब बोलो। एक ही बच्चा है क्या क्लास में? सब बोलो। अरे बोलो हाँ ना,
अभी पीछे क्या पढ़ के आए हो बताओ मुझे? सर लगेगी लगेगी। अच्छा पीछे क्या पढ़ा है वो एक बार स्टेटमेंट को रिपीट करोगे? पीछे अभी क्या पढ़ के आए हैं? जस्ट टिल्ट है, कैसी भी हो स्ट्रेट हो या टिल्ट हो, हमने देखा था ना टॉर्क तो लगी नहीं थी। सर फिर पूछ ले और क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं पूछ रहा हूँ अभी पीछे क्या पढ़ के आए हो बस ये बता दो पीछे वाली स्टेटमेंट। जब हम जब तक मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन ना हो जाए तब तक रोटेट करेगा। लेकिन वो कॉइल कैसी थी? करंट रेक्टेंगुलर कैरिंग कॉइल। मैंने इसमें करंट पास किया है क्या? नहीं। फिर अभी इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी, समझ में आ रहा है? पहले क्या पास करना पड़ेगा? करंट। तो उसके लिए हम बैटरी से क्या करेंगे इसको कनेक्ट। देखो बैटरी से कनेक्ट हो गया, अब करंट पास हो गया क्या? हाँ। अब रोटेशन होगी या नहीं होगी बताओ? होगी सर। सर अब करंट कैरिंग कोयल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ तो अब इसके ऊपर रोटेशन होगी। अब ये कोयल रोटेट करेगी और कोयल के साथ साथ कौन रोटेट करेगा? पॉइंटर भी रोटेट करेगा क्योंकि कोयल के साथ कौन अटैच है बच्चों? पॉइंटर है ना। तो सर यही सब था, क्लियर है अभी? लेकिन वही पॉइंटर अभी रेस्ट पर भी, अभी कैसे पता चल रहा है पॉइंटर यहाँ पर रुक रहा है? एक माइक्रो एम्पियर पे, दो पर, तीन पर, रेस्ट पर आ जाता है ना पॉइंटर। अब वो पॉइंटर रेस्ट पर आता है और पॉइंटर को कुछ डैमेज ना हो उसके लिए क्या लगा रखा है? स्प्रिंग लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चे? स्प्रिंग लगा रखा है। अब कैसे करेगा स्प्रिंग काम और पॉइंटर ये कैसे रेस्ट पर आएंगे, इक्विलिब्रियम क्या है ये ध्यान से देखो। एक तो पॉइंटर पे जो टॉर्क लग रही होगी, वो जो कोयल पे लग रही होगी, उस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा वो? एन आई ए बी साइन फाई या साइन थीटा। क्लियर? हाँ सर, इसी से वो रोटेट होगा। लेकिन तुम्हें एक बात पता है बच्चों, जब मैं किसी चीज को मतलब रस्सी को जब मैं क्या करता हूँ रोटेट करता हूँ तो पहली बार तो रस्सी आसानी से रोटेट हो जाती है ना ऐसे आराम से? यस। दूसरी बार दोबारा रोटेट करूंगा तो क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल। तीसरी बार रोटेट करूंगा तो जोर और लगाना पड़ेगा क्या? यस सर। चौथी बार रोटेट करूंगा तो जोर और लगाना पड़ रहा है क्या? यस। पांचवी बार लगाना पड़ रहा है और? हाँ सर। छठी बार फिर से लगाना पड़ रहा है, सातवीं बार दोबारा लगाना पड़ रहा था। ऐसे करते करते क्या मैं हमेशा तक रोटेट करता सकता हूँ इसको? अब क्या कर पाता हूँ? अब और करूंगा तो और जोर लगाना पड़ेगा। अब क्या कर पा रहा हूँ क्या? अब देखो ध्यान से। नहीं ना। अब यहाँ पर ऐसा ही काम किसका होता है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब मेरे को दम, अब मैं कितना ही दम लगा लूं और हो ही नहीं रहा सर, बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ रही है ना चीज जो मैंने बताया अभी अभी? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ मुझे? अब देखना इसका आंसर ये है, ये क्या हुआ है? रोटेट हुआ। अब तो मैंने तो नहीं रोटेट किया, तो अपने आप रोटेट हुआ। मैं तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, है ना? ऐसे रोटेट कर रहा था मैं तो। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। क्या हो रहा था अभी इस टाइम? सर इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लग रही थी। क्या लग रही थी? मैंने टॉर्क लगाई, मैंने अपने टॉर्क लगाई, मैंने इसको मोड़ा तो उसी टाइम यहाँ पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग गई। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में जैसे तुम उसको खींचते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है ना, क्योंकि तुम स्प्रिंग को कैसे खींचते हो? ऐसे लीनियर मोशन। तो जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगी। अब मैं रोटेशन कर रहा हूं इसकी तो अब फोर्स की जगह क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो पहले रीस्टोरिंग फोर्स लगता था क्योंकि लीनियर मोशन था, अब रोटेशन मोशन है तो फोर्स की जगह क्या लगेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मैंने इसको रोटेट किया तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अपोजिट काम कर रहा है। मैंने और रोटेट किया तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गया, मैंने और बढ़ाया तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि जब रीस्टोरिंग टॉर्क और मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, दोनों मेरी टॉर्क बराबर हो जाएंगी, तब वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्या? बिल्कुल। उससे आगे कुछ क्या मूव कर पाएगा बोलो? जब बिल्कुल मेरी वाली टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो क्या अब रोटेशन हो पाएगी आगे? नहीं हो पाएगी ना, तो उसके रेस्ट पर हो जाएगा मेरा। तो यही इक्वेशन यूज करेंगे हम। सर ये जो टॉर्क मेरी मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब इस केस में जो बैटरी के कारण या करंट के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रही थी वो तो ये थी। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा, किसका काम है?
स्प्रिंग का अब रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर बच्चे? जैसे एफ इज इक्वल टू क्या होता है के माइनस के एक्स, वेरी गुड। और टोर एफ की जगह क्या आ जाएगा? टोर्क। के की जगह नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जिसको बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? थीटा। समझ में आ रहा है? हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं ना, है ना, ये भी साइन थीटा, तो इसको थीटा ही रख दो। इसको क्या कर दो, क्या लिख दो थीटा की जगह? फाई लिख दो। क्लियर है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुम्हें ये फाई दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? अब ये टोर का फॉर्मूला जिसको समझ में नहीं आया वो दूसरे तरीके से भी समझ सकता है, बुक्स में ऐसा भी दे रखा है। सी क्या है बच्चे? सी क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क लगी है स्प्रिंग के कारण जब वो पॉइंटर पे ही लग रहा है ना रोटेशन, तो टॉर्क तो देखो जब मेरा पॉइंटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है, 1 डिग्री। जब मेरा पॉइंटर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन शो करता है तो उसके ऊपर कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क लग रही है बच्चे? बोलो सी। क्या बोल, कितनी लग रही है? सी। तो अगर 2 डिग्री पॉइंटर रोटेट कर जाए तो कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी? 2C। 3 डिग्री कर जाए तो 3C। और 5 करे तो 0। तो यही तो रीस्टोरिंग का फॉर्मूला हो गया टोर का, 5 × C, यानी C × 5। क्लियर है सबको? मैक्सिमम yes, एक टोर्क लग रही थी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो कितनी थी? NIAB sin थीटा। एक टोर्क थी क्या? C × 5, ये थी रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब रेस्ट पर कब होगा? जब ये C5 किसके इक्वल हो जाए? NIAB sin थीटा। कर दो सर, C5 किसके इक्वल हो जाए? NIAB sin। ये थीटा और फाई अलग एंगल। हाँ हाँ हाँ, थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। और फाई क्या है सर? वो डिफ्लेक्शन पॉइंटर में कितनी हो रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे। क्लियर है? फाई को डिवीजन भी बोल सकते हो कि कितना डिवीजन डिफ्लेक्शन हो रही है, अभी तुम्हें आगे क्वेश्चन में दिख भी जाएगा फाई क्या है, डिवीजन कितना डिफ्लेक्शन हो रही है। फाई को एक वर्ड से यूज करो, मैं 1 डिग्री जान करके लिख दिया, तुम इसको डिवीजन बोलो। क्या बोलो? डिवीजन, डिफ्लेक्शन हो रही है। फाई को एक ही वर्ड यूज कर लो, डिफ्लेक्शन। फाई के लिए क्या वर्ड यूज कर लो? डिफ्लेक्शन, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और थीटा अब तुम्हें पता ही है क्या है। क्लियर है? तो जब रीस्टोरिंग टॉर्क और NIAB sin θ इक्वल हो जाए तो अब इसको देखो, मेरे को गैल्वेनोमीटर का करंट से रिलेशन होता है ना, तो करंट को यही रखो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो I किसके इक्वल आ जाएगा बताएगा कोई? C5 upon NAB sin θ मल्टीप्लाई बाय φ, यही है क्या? देखो क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है तो फटाफट पूछो एनीबडी। चल तो अब ध्यान से देखना सर, सी क्या है? 1 डिग्री में कितनी टोर, मतलब एक बार एक डिवीजन बोल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, ना डिवीजन में, डिग्री ज्यादा बोल दो, एक डिवीजन में कितनी डिफ्लेक्शन हुई ऐसे बोल दो, एक डिवीजन में तो डिफ्लेक्शन यही होगी। अब चाहो तो तुम डिग्री बोल देना, डिफ्लेक्शन बोल देना, इसका अच्छे से क्लियर होगा तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है। तो सर ये तो कॉन्स्टेंट ही है ना, एक में इतनी ही होती है, तो सी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी मेरे क्या रहेंगे सर? कॉन्स्टेंट रहेंगे। एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा सर? कॉन्स्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो आई मेरा किस किस पे डिपेंड करेगा? एक तो फाई पे और एक साइन थीटा। लेकिन सर जो मैं अपना गैल्वेनोमीटर देखता हूँ उसमें तो जैसे जैसे मैं करंट देता हूँ उतना उतना क्या हो जाती है? डिफ्लेक्शन। वहां पर थीटा होता है कुछ, थीटा कि इतना रोटेट हुआ, इतना रोटेट हुआ, उसमें तो यही होता है ना, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा, करंट कम तो डिफ्लेक्शन भी कम। तो आई सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है वहां पर किसके? फाई के। तो वहां तो साइन थीटा का कोई रोल होता ही नहीं सर, तो मतलब मेरे को भी साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। अब साइन थीटा को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। ना, अब जीरो हो जाएगी तो फिर वही फोर्स ही नहीं लगेगी ना बच्चे, टॉर्क ही नहीं लगेगी। साइन को अगर मैं जीरो कर दूंगा क्या टॉर्क लगेगी बच्चे बताओ? नहीं ना। तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? 90। थीटा 90, साइन थीटा 1। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रह जाएगा? सिर्फ फाई। फाई।
अब ये थीटा 90 डिग्री करा मैंने, ये कैसे किया? मतलब हर टाइम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या रहे? 90। जब रेडियस हो, सर्कल हो, वो हमेशा 90 डिग्री ऐसे टेंजेंशियल रहेगा। मतलब सर इसके लिए हम एक स्पेशल तरह का फील्ड यूज करते हैं। क्यों फील्ड यूज कर रहे हैं? कि थीटा हमेशा क्या रहे? 90 रहे। और थीटा 90 क्यों रहना चाहिए हमें पता है, क्योंकि हम साइन थीटा की डिपेंडेंसी हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आई सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल रहे? पाई के। थीटा 90 रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल तरह का फील्ड यूज करता हूँ, उसका नाम क्या है बच्चे, उतना ही समझना है अभी। उस फील्ड का नाम क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है बच्चे उसका? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इसी कारण यहाँ पर जो मैग्नेट्स लगाए गए वो कैसे लगाए गए? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। वही प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं हमें? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था ना ये आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट सिलेंड्रिकल क्यों है, तो वो इसी वजह से, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर पाए बच्चे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? दोबारा बोलो, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रेडियल मैग्नेटिक। और मैंने एक और चीज बताई थी, ये जो वाइंडिंग की हुई है कोयल के ऊपर, वो वाइंडिंग क्या है? वो वाइंडिंग है सॉफ्ट आयरन कोर की। किसकी? सॉफ्ट आयरन कोर की। अब उसका क्या यूज है वो भी करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग खत्म है कि कैसे काम करता है, सबको पता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फायर। और जिसको कुछ भी याद नहीं रहता वो एक ही चीज याद रखे, सर मैंने क्या किया है? रीस्टोरिंग टॉर्क को उस टॉर्क के क्या किया है? इक्वल कर दिया। और आई का फॉर्मूला देखा, फिर देखा आई के तो दो डिपेंडेंस आ रहे हैं, फाई और साइन थीटा। फिर साइन थीटा हटाने के लिए थीटा 90 रखना पड़ेगा, जिसके लिए फील्ड कैसा यूज कर रहा हूं? रेडियल फील्ड। उसके लिए मैग्नेट्स कैसे यूज कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, जिसको डाउट है वो पूछो फटाफट। चलो, ये बच्चे कैसा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? इसमें डीप में नहीं जाना, बट तुमको ये देखना है, ये सारा अलोंग द रेडियस होता है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बेंड कैसे हो गई? ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं हुई भाई। नॉर्थ से साउथ तो ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे भी जा सकता था। ये जो मैंने रेड वाला बनाया दिख रहा है? यस सर। थोड़ा सा बेंड कैसे हो गई? ये बेंड हो गई, ऐसे समझो ये ज्यादा पास में आ गई, दूर से जाना चाहती थी लेकिन ये इसके पास में आ गई कोयल के। क्यों सर? क्योंकि यहां पर मैंने वाइंडिंग की है। किसकी? सॉफ्ट आयरन कोर की। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, अच्छा आयरन वाला है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास से गुजारता है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड दूर से, मैग्नेटिक फील्ड कोई जहां पर थोड़ा सा वीक भी था, वहां पर मैंने स्ट्रॉन्ग क्या लगा दिया? सॉफ्ट आयरन कोर की वाइंडिंग कर दी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने से पास कराएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपने में से ज्यादा पास करवाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो लाइंस है तुम्हें क्या दिख रही है? थोड़ी कर्व हो गई। इसका मतलब क्या है? कि इसने मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ऐसा समझो, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास करवाया है। समझ में आ रहा है सबको? सॉफ्ट आयरन कोर का काम ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने में से पास करवाएगा, इसीलिए मैंने क्या यूज किया बच्चे? सॉफ्ट आयरन कोर। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों यूज किए हैं बताओ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या थी? करंट और फाइबर। हाँ, बी और ए के बीच में एंगल क्या रहे? 90। जो तुम्हें ये दिख रहा है ये उस एक्चुअल में जो वो कोयल थी वो मेरी सिलेंड्रिकल कोयल है, उसके ऊपर वाला हिस्सा देखूंगा सिर्फ, एक सर्कल दिखेगा ना, तो वही सर्कल तुम्हें दिख रहा है। तुम ऐसा देखो कि उस सिलेंडर को तुम ऊपर से देख रहे हो, या उस सिलेंडर को ऐसे रोटेट करके देखो, सामने से देख रहे हो। ऐसे ऐसे हम एग्जांपल कर चुके हैं, याद है ना, हमने सिलेंड्रिकल शेल में मैंने तुम्हें रोटेट करके दिखाया था, जब सॉलिड वायर की बात की थी, और क्या नाम है, होलो वायर की बात की थी सिलेंड्रिकल में, मैंने रोटेट करके दिखाया था ना तुम्हें सिलेंडर, याद है? सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, एंगल का, या सॉफ्ट आयरन कोर का, वरना हम आगे चले। बोलो, लेकिन बोलोगे तभी पता लगेगा। हाँ, बोल के बोलो, थम्स अप नहीं, बोलो। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. इसमें ज्यादा नहीं करना, ये जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ।
अब ये सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा टॉर्क का क्या पढ़ा था बच्चे, अभी सी फाई किसके इक्वल रखा था, एन आई, साथ साथ बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। नहीं ये भी समझ गया। सी फाई किसके इक्वल रखा था, एन एन आई ए डी साइन थीटा। थीटा तो क्या आई था, 90 था, क्योंकि फाई कैसा है, रेडियल। तो यहाँ से फाई का वेव फॉर्मूला बताना क्या हो जाएगा, एन आई ए डी अपॉन सी। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब ये सेंसिटिविटी क्या है, अब मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मैंने गैल्वेनोमीटर में बताया था कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे को छोटी छोटी बातों का क्या लग रहा है, बहुत बुरा लग जाता है ना, बोलते ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसको तो कुछ मत कहो, कहते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी क्या है, बहुत मान लो सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर तो अगर वोल्ट करंट मेजर कर रहा है तो इसका मतलब करंट कब मेजर, करंट मेजर करने से वो क्या शो करता है, सिर्फ हाँ छुई हुई डिफ्लेक्शन। तो अगर छोटे से करंट से, थोड़े से करंट से ही उसने डिफ्लेक्शन क्या शो कर दी, ज्यादा, तो वो क्या बोल दूंगा, मेरा गैल्वेनोमीटर क्या है, ज्यादा सेंसिटिव। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई सर, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करी, करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, ज्यादा डिफ्लेक्शन, करंट क्या हो कम। तो फाई बाय आई किसका फॉर्मूला हो गया मेरा, करंट सेंसिटिविटी का। क्लियर है सबको, फाई बाय आई। फाई का फॉर्मूला अभी अभी निकाला है, क्या है, एन आई ए बी अपॉन सी, आई से दोबारा डिवाइड कर दो, आई से आई क्या हो गया, कट गया, तो फाई बाय आई क्या हो गया बताओ, एन ए बी बाय सी। क्लियर है क्या सबको, फाई बाय आई कैसे निकाला मैंने, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। yes, चले आगे, पक्का सब बोलो, yes, सब yes, मजा नहीं आता ऐसे सब बोलोगे तो yes, yes, चलो सर चलो आगे। अब अगला तुम वोल्टेज सेंसिटिविटी का खुद ही बता सकते हो क्या होता होगा फॉर्मूला, अगर गैल्वेनोमीटर वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला, फाई बाय वी, फाई का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, एन आई ए बी अपॉन सी। वी की जगह क्या लिखूं बताओ, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी इज इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चे, आई आर, आई से आई गया तो क्या बच गया, एन ए बी अपॉन सी आर, रेजिस्टेंस है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। क्लियर है क्या सबको, यस सर। तो क्या करंट सेंसिटिविटी, हाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वही, थोड़ी सी वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन क्या दे दी, ज्यादा, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा। चलो आगे, यानी कितनी डिफ्लेक्शन में कितनी वोल्टेज शो कर रहा है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी, कितनी डिफ्लेक्शन में कितना करंट की रीडिंग, करंट में कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो करंट की सेंसिटिविटी। अब ध्यान से देखो, वो बोल रहा है करंट कैरिंग सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विल बी हाई, कब होगी बताओ, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। करंट सेंसिटिविटी होता है फाई बाय आई, जो कि क्या बन गया था, एन ए बी बाय सी। तो बताओ कब करंट सेंसिटिविटी हाई होगी, बताओ इनमें से क्या हो, जो मैग्नेटिक, क्या चीज कम करने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी दे रखी है कितनी, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। क्या बोल रहा है सर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो ये देखो वही मैंने बोला था ना डिवीजन, तो ये फाई है नीचे, मिली एम्पियर है तो नीचे क्या है, आई है। अच्छा वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है बच्चे, 20 डिवीजन पर वोल्टेज, तो यानी फाई बाय वी। भाई जनरल केस में अगर हमें अब निकालना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, भाई जनरल केस में अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, वी बाय कर देते, यानी ऊपर अगर V वाली यूनिट हो नीचे I वाली यूनिट हो तो वो जो आंसर आएगा वो किसकी यूनिट बन जाएगी, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर हमने देखना है, देखो यहाँ पर v by i तो है लेकिन वो अपोजिट में है, देखो दिख रहा है डिनोमिनेटर में आ गए दोनों चीज। यस सर। तो अगर यहाँ पर v by i बनाना है मेरे को तो फाइव से कोई भी फाइव कट जाए, अगर फाइव की वैल्यू से फाइव की वैल्यू कट जाए तो v by i कब बनेगा, जब करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करूंगा या वोल्टेज सेंसिटिविटी को करंट सेंसिटिविटी से। सोच के बोलना सर, वीएस कौन सी करेंगे, करंट को वोल्टेज से। हाँ, करंट सेंसिटिविटी बोलो, करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज से, वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करोगे। देखो 5 बाय आई, यहाँ क्या लिखोगे 5 बाय वी जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 से कुछ भी हो, 5 की वैल्यू यहाँ पर अलग भी हो सकती है, कट जाएगी तो वी बाय आई क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी रेजिस्टेंस। इसका मतलब जनरल में तो हम वोल्टेज बाय करंट करते थे तो रेजिस्टेंस आता था, लेकिन सेंसिटिविटी दे रखी हो तो क्या करेंगे, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना, हाँ हमेशा कर सकते हो, ध्यान से देखो ये वोल्ट है, यहाँ पर मिली एम्पियर है, तो मैं इसको भी एम्पियर में बदल दूं तो सादा सही नहीं रहेगा, तभी तो ओम आएगा ना, वरना मिली ओम आ जाएगा। तो देखते हैं इसको करते हैं, इतना तो समझ में आ गया सर, हमें करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइडेड करना है, वोल्टेज, तभी क्या आएगा सर हमारा रेजिस्टेंस। और जिसको ये भी समझ नहीं आता वो ऐसे देख लिया बच्चे, बहुत आसान चीजें हैं। देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन ए बी अपॉन सी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या था, एन ए बी अपॉन सी आर। इसको डिवाइड करना दोनों को, ये करंट सेंसिटिविटी ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आना चाहिए, एन ए बी बाय सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए बी बाय सी इंटू आर। एन ए बी सी से एन ए बी सी कट गया, क्या बच गया सिर्फ आर, रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। क्लियर है सबको, एवरीबडी? yes, तो डाउट ना रह जाए इस टॉपिक में, अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चंस भी आते हैं इसीलिए करवा रहे हैं। चले आगे। yes, sir. चलो सर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है, आंसर अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं, पहले इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल देते हैं ना। सर ये कह रहा है एक मिली एम्पियर का जब करंट हो तो कितनी डिवीजन शो कर रहा है, 5 डिवीजन। जिसको ये समझ नहीं आता वो एक मिली एम्पियर को लिख दो 10^-3 एम्पियर। अगर 10^-3 है तो 5 डिवीजन, तो 1 एम्पियर में कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 10^-3 डिविजन्स, तो कितना हो गया ये ऊपर जाके 5000 डिवीजन। और बात बन जमती भी है सर, अगर एक मिली एम्पियर का करंट है तो वो कितनी डिफ्लेक्शन देगा, 5 डिवीजन। अगर मैं एक मिली एम्पियर से एक एम्पियर कर दूं तो डिवीजन भी क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा होनी जानी चाहिए ना, तो 5 की जगह आप डिवीजन कितनी शो करेगा, 5000। क्लियर है सबको, सबको सेंसिटिविटी आ गई 5000 वाली डिवीजन, और वोल्टेज सेंसिटिव वाली कितनी डिवीजन आ गई, 20000। तो कर दो कितना आ रहा है, 250 आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है सबको, चले आगे। यस सर। छोटी सी चीज याद रखनी है इसमें, करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड करना है, फटाफट करो। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को जो मैं वीएस लिखता था इन्होंने नाम दे दिया बच्चों सिग्मा वी, और ऐसे ही डिनोट करते हैं ज्यादातर, सिग्मा वी। और करंट सेंसिटिविटी को क्या बोल दिया, सिग्मा आई। तो बताओ रेजिस्टेंस कब आएगा, बताओ क्या रिलेशन होता है दोनों के, रेजिस्टेंस कब आता है, जब सिग्मा आई अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू आर होगा, आर को इन्होंने बोल दिया जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो जी बोल दूं। तो कौन सा रिलेशन ट्रू हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट बोलो बोलो कौन सा हो रहा है, फर्स्ट सिग्मा आई बाय जी इज इक्वल टू सिग्मा, डन है क्या? Yes, sir. अब ये होमवर्क के लिए है,
क्या कह रहे हैं सर, मूविंग कोल गैल्वेनोमीटर है इंक्रीज बाय 20% करंट सेंसिटिविटी। अगर करंट सेंसिटिविटी पहले x है तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 20/100 इंटू x, ये हो जाएगी। नहीं तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कर लेंगे क्या? रिलेशन तुम्हें पता ही है वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का। उसने कहा अगर करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ा दूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। कर लोगे ये सब एक क्वेश्चन, ट्राई करके आओगे घर से सब? यस सर। आसान होगा, ध्यान से देखना और सोल्यूशन वैसे पीछे मेंशन भी है, देख लेंगे अगर दिक्कत हो तो। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, अरे मतलब देख लेने का मतलब है अगर समझ में ना आए तो एक बार चेक कर लेना, ये नहीं कि टेप लेना, फिर दूंगा ही क्यों तुम्हें होमवर्क, होमवर्क फिर पूछ लेना मेरे से अगर ना हो तो। स्क्वेयर लूप है, इसके ये वाला क्वेश्चन करेंगे उसके नेक्स्ट वाला होमवर्क में, दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पहले ये क्वेश्चन करो फटाफट अगर नेक्स्ट वाला लाया हूं तो ही ना, ये होमवर्क में अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार लगाएंगे इसको क्योंकि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया हुआ है तुम्हें, SHM वाला। मैंने हमेशा तुम्हें बताया है जब जब क्या होगा बच्चे, दो कंसेप्ट कंबाइंड हो जाएंगे वो JEE में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ज्यादा। तो यहाँ पर भी अगला जो मैंने घर के लिए दिया SHM वाला है, इसमें SHM और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो टॉर्क वाला फॉर्मूला है या किसका फॉर्मूला लगा रखा है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला, उसको कंबाइंड किया हुआ है, करके आना अच्छे से, और आया भी हुआ देखो मेन ये वाला भी आया हुआ, करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी, और अभी हमने बेस तैयार कर दिया बच्चे, अच्छा देख लिया होगा तुमने डी इसका कहाँ आएगा, अच्छा उसका इसका तो बताओ सर, उसका बताओ तो क्या है, ना ना इसका बताओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैं क्या कह रहा था, आज हमने ऐसा समझो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज हमने नींव रख दी ना मैग्नेटिक मोमेंट की, आज हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात कर ली ना, तो अब हम कोशिश करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे और फटाफट करेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अब क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होगा वरना सिलेबस रह जाएगा हमारा, ठीक है। चलो करो एक क्वेश्चन ट्राई मारो फटाफट, क्या कह रहे हैं सर है कि स्क्वेयर लूप है साइड क्या, हिंट देते हैं इसका, चलो स्क्वेयर लूप की साइड क्या है बच्चे, 2A, और कितना करंट कैरी कर रहा है बच्चे वो, I एक्स जेड प्लेन में, कहा सेंटर्ड एट द ओरिजिन, अलोंग वायर कैरिंग द सेम करंट और पैरेलल टू कहा है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे पड़ी होती, x एक्सिस के पैरेलल ऐसे पड़ी है, y z एक्सिस के पैरेलल ऐसे पड़ी है, काम ठीक है तो यहाँ पड़ी है सर, ठीक है तो z में ही करंट जा रहा हो, अब मैं नहीं बताऊंगा करंट कहाँ जा रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बता रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, अभी टॉर्क का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं, क्या है एन एम के बारे में कोई बात नहीं करी तो छोड़ दो, आई के बारे में बात कर रहे कि ये कितना है, आई ही है, ए के बारे में बात की है सर, किसके ऊपर निकालनी है टॉर्क, लूप के ऊपर, तो लूप का एरिया कितना बन रहा है बताओ, अगर उसकी साइड 2a है स्क्वायर है 4a स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब ये देखना पड़ेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, लूप का या वायर का, वायर का क्योंकि अब टॉर्क लग किस पे रही है, लूप पे लग रही है, तो लूप पे जो टॉर्क लगाएगा वो क्या, लूप का खुद का मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, एक्सटर्नल, तो लूप के पास कौन है वायर है ना, वायर का मैग्नेटिक फील्ड लूप पर क्या लगाएगा सर, टॉर्क लगाएगा, क्योंकि कंसेप्ट का नाम क्या था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वायर का, और वायर कैसी है, लॉन्ग वायर है जेड एक्सिस के पैरेलल, अच्छा तो उसका तो फॉर्मूला पता है सर, लॉन्ग वायर का म्यू नॉट मैग्नेटिक 2πr, r मतलब डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, वो कितना है देखो, एक ही कोऑर्डिनेट है उसका b, तो 2π
म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट बोलो पूरा पूरा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी, क्योंकि बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस वहां से लूप साथ, और लूप और उसके बीच में फिर मतलब एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 90, इसको भी हटा दो तो देखो क्या फॉर्मूला आ रहा है, फोर आई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई बी। क्लियर है क्या सबको, किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं सर। थम्स अप करो जिस चीज को क्लियर है, अभी चेक भी कर लेते हैं। अभी इन्होंने m लिख दिया, m का मतलब तो वही है ना सर, i इंटू ए, तो हमने निकाला यही आया था 4i a स्क्वायर, हाँ सर यही आया, और वहां पर क्या आया म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई b, और जिसको फिगर समझ नहीं आ रही थी वो ये समझो, ये xz प्लेन है बच्चे, नीचे की xz प्लेन, और ये z के एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल, और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास b है, कितना है b, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर। जोगे सर, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है भाई, ये मेरा एक्सेड प्लेन है, दिख रहा है ये जो मेरा लूप पड़ा है स्क्वायर सबको दिख रहा होगा, और ये मेरी वायर पड़ी है सर, दिख रहा है बिल्कुल जेड एक्सिस के पैरेलल है ना ऐसे, यस सर, ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है ये लूप है सर, ये व्हाइट वाली वायर है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी एक्सिस में होगा तुम खुद बताओ, ये नहीं होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस जे, हाँ प्लस जे, यानी कौन सी एक्सिस है ये, वाई एक्सिस, इसीलिए तुमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया है बच्चों, यहाँ पर देखो ये बी कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई वाला, वाई वाला, क्योंकि एक्स वाला तो वैसे भी जीरो था, जेड वाला भी जीरो था, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या था, बी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना बार बार कि ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है वायर से, परपेंडिकुलर वाला, और यहाँ पर वो वायर है तो इसलिए यहाँ पर बी डिस्टेंस, और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है सर, अगर ये मेरी वायर है ये इसका, और ये मेरी वायर है सॉरी नीचे लूप है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा इसका, तुम्हें दिख जाएगा आराम से, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चे 90 डिग्री, चेक भी कर लेना इसको, चेक भी करके आना, चलो यही चेक करके आना, मैंने ये बताया था बच्चे, मैंने नहीं बताया तो तुमने ही बोला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, ये पढ़ा नहीं था हमने इनफाइनाइट वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद करो सर, ये वही तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए था, पर यहां तो 2a लेंथ दी हुई है किसकी, हां आओ आओ आओ, देखो 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 ये क्या दे रखा है, 2a किसकी लेंथ है, स्क्वायर लूप, अच्छा लूप वायर कैसी दे रखी है, बोल रही है लॉन्ग वायर, कैसी दे रखी है लॉन्ग वायर, लॉन्ग, समझ में आ रहा है, हाँ बोलो जैसिका, यस yes, ये नहीं बोल रही थी मैं, मेरे को बस ऐसे देख के थोड़ा सा ध्यान आया ना, आपने जैसे अच्छा। पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की बताई थी, पता नहीं कुछ आपने वो याद नहीं आ रहा कुछ, वो मैंने ये बताया था, वो बहुत पहले पढ़ा था हमने, वो मैंने ये कहा था कि म्यू नॉट अपॉन हमारा किसी क्वेश्चन का आंसर आया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो मैंने बता रखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से अगर 2 पाई पे जाना चाहो तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, वो तो पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया था एक बारी, तो वो वहां पर भूल गए, तो देख के ना था, अब ये समझ में आ गया ना, यस सर, यस सर, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, और पहली बात तो वो लॉन्ग है इसलिए भी ठीक है, और दूसरी बात बच्चे ये देखो ये कंडीशन भी दे रखी है केशव, B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, 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 समझ रहे हो, वो जो डिस्टेंस है वो लूप से बहुत बहुत छोटा है तो भी ये इनफाइनाइट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है, मैंने बताया हुआ है, बहुत पास चले जाओ तो भी वायर कैसी लगती है, बहुत दूर लगती है, बहुत पास चले जाओ तो वायर दूर लगती है, भारी लगती है, लेकिन ये ऐसा ऐसी कंडीशन दे रखी होगी, यहाँ पे तो हम बहुत दूर जा रहे हैं तो भी वायर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने अपने आप बोल रखा है कि वायर कैसी है इनफाइनाइट है लॉन्ग वायर, अगर इसकी अपोजिट कंडीशन दे देता कि बहुत पास जा रहे हैं तब भी हम इनफाइनाइट का केस लगा सकते, ठीक है, चलें, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन करके आओगे अब घर से, यस सर, यस सर, कल हम नेक्स्ट चैप्टर, जब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है,
चलो ओके बच्चों। सर वैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स लगती क्यों है सर? किसकी रीस्टोरिंग? वो बच्चे सर उसकी प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं है ना, स्प्रिंग की इलास्टिक बिहेवियर होता है स्प्रिंग का, पिछली क्लास में था सर। हाँ, अगर मैं उसको खींच रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, हर चीज अपने आप, ऐसा भी समझ। वैसे तो इलास्टिक बिहेवियर्स में पढ़ते हैं है ना, इलास्टिक बिहेवियर्स में पढ़ते हैं कि उनकी इलास्टिसिटी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर हो जाती है। यस चलो सर, कल आपने क्लास नहीं ली थी? कल बच्चे मेरा नेटवर्क ही मतलब इशू आ गया था, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, इसी वजह से मैं नेट कुछ इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। मैं प्रवीण सर को तो इन्फॉर्म कर दिया था फिर भी।